उत्तर प्रदेश सरकार ने मारे एक साथ दोहरे शतक। यूपी पुलिस पहले से हुई और एडवांस, तो वहीं दूसरी तरफ यूपी सरकार का बढ़ गया टैक्स कलेक्शन। हमारे साथ समझिए खबर का पूरा अपडेट। अब कैसे यूपी पुलिस अपराधी पर फूकेगी धर पकड़ वाला मंत्र और कैसे मजबूत होगा यूपी का आर्थिक और शांति तंत्र, हम बताएंगे इससे जुड़ा पूरा यंत्र। आज हम आपको यूपी से जुड़ी दो अहम खबरों से रूबरू करवाने जा रहे हैं, जिसमें पहली खबर तो उत्तर प्रदेश पुलिस को और हाईटेक होने से संबंधित है, तो वहीं दूसरी खबर राम मंदिर बन जाने के बड़े टैक्स कलेक्शन से जुड़ी हुई है। आप सबसे पहले पूरी खबर सुनिए, जिसमें उत्तर प्रदेश पुलिस को पहले की तुलना में और हाईटेक व आधुनिक किया जा रहा है। दरअसल अब योगी की पुलिस ने अपराधियों पर नकेल कसने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI की मदद लेना शुरू कर दिया है। इसके लिए यूपी ने क्राइम GPT फीचर के साथ त्रिनेत्र 2.0 AI टूल भी लेकर आई है। इसको लेकर जानकारों के द्वारा बताया जा रहा है कि अपराधियों की धरपकड़ और पुलिस व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी अहम भूमिका निभा सकती है। इसको लेकर उत्तर प्रदेश पुलिस ने क्रिमिनल्स को पकड़ने के लिए AI का इस्तेमाल करना भी शुरू कर दिया है। अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश पुलिस के DGP प्रशांत कुमार ने क्राइम GPT से लैस त्रिनेत्र 2.0 AI टूल लॉन्च कर उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था को मजबूत बनाने का प्रयास किया है। इसके द्वारा अपराधियों के बारे में जानकारी जुटाने में काफी मदद मिल सकती है। इसमें क्राइम GPT कंपनी का सबसे नई AI तकनीक है। इस तकनीक को उत्तर प्रदेश पुलिस और स्पेशल टास्क फोर्स के साथ मिलकर तैयार किया गया है। राज्य में सुरक्षा व्यवस्था को बेहतर करने में इससे काफी मदद मिल सकती है। क्राइम GPT आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की ताकत का इस्तेमाल करके काम किया करता है। इसके द्वारा कम समय में ही अपराधियों की शिनाख्त करने में सफलता भी मिल सकेगी। इस तकनीक को लेकर मिली जानकारी के अनुसार क्राइम GPT लिखने और बोलने पर क्रिमिनल डेटाबेस का इस्तेमाल करके रिजल्ट देता है। जैसे किसी अपराधी ने पिछले 2 साल में किन अपराधों को अंजाम दिया है, इसकी जानकारी जुटाने के लिए लिखकर और बोलकर इस पर सर्च किया जा सकता है। इतना ही नहीं, उत्तर प्रदेश में पहले से ही त्रिनेत्र एप्लीकेशन चलाकर अपराधियों को पकड़ा जा रहा है, तो वहीं अब क्राइम GPT फीचर मिलने से इसे और मजबूती मिल सकेगी। अपराधियों की पहचान करने, निगरानी करने और जानकारी सेव करने के लिए फेशियल रिकॉग्नाइजेशन और सुनाई देने वाले सिग्नल का इस्तेमाल क्रिमिनल को ट्रैक करने और पकड़ने को आसान बना रहा है। अभी ये तो यूपी में कामयाबी की पहली कहानी रही, अब दूसरी कहानी सुनिए। यूपी में अब पहले की तुलना में टैक्स का ज्यादा कलेक्शन होगा। ऐसा इसलिए क्योंकि राम मंदिर बन जाने के कारण देश विदेश से पर्यटक भारत के उत्तर प्रदेश राज्य आएंगे, जिसके द्वारा खरीदारी बढ़ेगी, जिसके कारण उत्तर प्रदेश और भारत को आर्थिक मजबूती मिलेगी। अर्थशास्त्र के ज्ञाता बता रहे हैं कि इस बार उत्तर प्रदेश सरकार को 25,000 करोड़ से भी ज्यादा का टैक्स कलेक्शन मिल सकता है। फिलहाल आपको हमारी ये खबर कैसी लगी, इसको लेकर आप अपनी राय हमारे साथ लिखकर साझा कर सकते हैं। विदित है कि योगी सरकार के कार्यकाल में बना राम मंदिर के निर्माण में कई करोड़ों रुपए चंदा आया था, जिसके द्वारा राम मंदिर का निर्माण किया गया है और अब इस मंदिर में लगातार राम को मानने वाले आ रहे हैं और चढ़ावा भी चढ़ा रहे हैं, जिसके द्वारा भी उत्तर प्रदेश सरकार को आर्थिक लाभ मिल रहा है। तो वहीं उत्तर प्रदेश पुलिस भी अब AI की सहायता लेकर पहले से ज्यादा एडवांस होने के साथ अपराधियों की धरपकड़ कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, PDN न्यूज़।